देखने वाला नहीं है मैं सोचता यार। क्या हो गया भगवान? तेरे वादे वो इरादे ओ साथी रे, ये वफा का खाओ नहीं, ये तुमको पूरा फिनिश करना है, यहाँ कोई ड्रामे नहीं चल रहे हैं कि खाओ। कैसे तुझे से दिल ना लगाए कोई, रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है उसने की खाली तिजोरियां। सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। बाकी गाइस अभी यार आराम नहीं है, और बंदी सॉरी यार प्रिंस नीचे आ चुकी है, कुछ भी मुंह से निकल जाता है यार, एक पैर से चला नहीं जा रहा है ना, तो नहीं खुलेगा यार, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, क्या करूँ यार, कोई देखने वाला नहीं है, मैं सोचता यार क्या हो गया भगवान। कपिल कपिल क्या देर में आयु, कब से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। बच्चा मैं तो मैं लिख क्या लाया हूँ, मुझे नहीं खाना यार, नहीं खाना, मतलब तुम्हें पता है खाने वाली चीज है बेटा। चलाकी करोगे तुम, नहाए तो नहीं है बच्चे? तुम्हें पता है कि भाई नी चला जाता, मुझे नी नहाया जाता, तब तक मुझे कोई आएगा नहलाएगा तब ना पाता हूँ, मैं तुम्हारा इंतजार किस लिए करता हूँ यहाँ पे, ये बताओ। मम्मी दर्द हो रहा है, दर्द तो सच में हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा ना बढ़ चढ़ के थोड़ी केयर कराने में मुझे अच्छा लगता है, और क्या कहते हैं ना, बहुत बोलती है ना, जिस दिन मुझे मौका मिला तो तुम्हारे लिए इतना करूंगी इतना करूंगी, देखता हूँ कितना करती है। अच्छा जी, अच्छा तुम सुनाई आ रहा है मेरी प्रिंस, वैसे एक बात बोलो, प्रिंस ही ना बहुत अच्छी है, दिल की बहुत साफ है, लेकिन दिमाग से बहुत पैदल है। अच्छा गलत बोल दिया क्या कुछ मैंने? अब I love you, मैं तुमसे बहुत 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 कम प्यार करता हूँ। इस सेब को ऐसे कौन काटता है मुझे ये बताओ? हाँ बाबू, मैं बाबू, तुम तो महान कलाकार हो, तुम्हारी तो बात अलग है, तुम तो कुछ भी यार, तुम्हारे ऐसे ऐसे इसे ऐसे ही छोड़ दो, मैं ये खा लें। तुम नहीं खाओगी? खाओ नहीं। अरे खाओ पागल, ठीक आपको होना है। अरे मैं ठीक हूँ, एक पैर से चल रहा हूँ, और क्या, और तुम मेरे साथ हो, वो एक डायलॉग है ना, मामा जब तक तुम मेरे साथ हो तो मुझे कोई मारने वाला पैदा नहीं हुआ, और मेरा डायलॉग सुनो, प्रिंसी जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक मेरी जिंदगी ये नर्क है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, गलत बोल दिया, माय मिस्टेक, सॉरी। और दोबारा बोलता हूँ, प्रिंसी जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक मुझे सेब खिलाती रहो। खाओ नहीं, ये तुमको पूरा फिनिश करना है, यहाँ कोई ड्रामे नहीं चल रहे हैं कि खाओ। उस दिन तुमने भिजवाए थे वो भी रखे हैं अभी, तो खाना है तुमको पूरे पूरे, आधे अधूरे नहीं। देख रहे हो गाइस, मैं अभी भरा पड़ा है, लेकिन तुम पानी लाइयो, उससे पहले मैंने फिनिश कर दिया, देख लो। गुड मॉर्निंग, इसलिए फिनिश कर दिया कहीं तुम ना खा जाओ। तुम्हारे लिए लेकर आई, अपने लिए नहीं, वो तो मुझे पता है, लेकिन शर्ट पे प्रेस क्यों नहीं की तुमने? कौन करे प्रेस? तुम और कौन? मेरे को इतना नहीं अच्छा लगता, मैं बस जो मन करता पहन लेता हूँ बस, मुझे जब मिलना होता ना आपसे तो मैं सज संवरना ले लेती हूँ। हाँ कभी कभी मेरा मन करता है तो मैं सज लेती हूँ दिखाने के लिए अपने बाबू को, बाबू मैं भी कुछ खूबसूरत लगती हूँ। तुम हो लड़ाई, पसीना आ रहा है, कल
ऐसे एक बात बताऊं तुम्हें, तुम ना जब ड्रामे करते हो ना उस टाइम तुम बाबू लगते हो। ड्रामे नहीं करता मैं, अब मैं तुम्हें, तुमने मैं तुमसे ना, मैंने एक सच्चाई पता है क्या छुपाई थी? पता है तुम, मैं गिरा था, मेरी बाइक कितनी दूर तक घिसी थी पता है तुमको? बहुत दूर तक घिसी थी, यहाँ से मिनिमम 50 मीटर तक घिसती हुई गई थी भाई। 50 मीटर बहुत होता है, क्योंकि वहां पे ना सब कुछ रोड ना बेकार था, खुदा हुआ था, तो बजरियां निकल ली थी, तो बजरी की वजह से रुकी नहीं भाई, घिसती हुई चली गई। ओ मैं सोच रहा यार, मैं टार्जन कहाँ से बन गया, ये शक्ति कहाँ से आई मुझ में? लेकिन जब मैं उठा भाई, इतना ब्लड, पहले तो दर्द नहीं हुआ, मैं पैर खींचो साला कुछ नहीं लगी होगी, लेकिन बाद में जब किसी ने आके उठाया पैर, देखा मैंने, अरे मम्मी पैर हो रहा है। क्या हुआ तुम्हारा मुंह क्यों बन गया? तुमको इतने ज्यादा लगे थे? बहुत ज्यादा लगी थी, मैंने तुमको कॉल भी किया था। मामू तुम ठीक हो जाओगे, जल्दी देखना। मैं तुम्हारे साथ हूँ तो जल्दी ठीक हो जाऊंगा, पता है मैं तुमको जल्दी ठीक कर दूंगी, पता है? अगर जो कोई परेशान रहता है ना, अकेले रहे, अंदर ही अंदर घुटता रहे, तो वो ना बहुत देर में ठीक होता है। जब कोई पास में आ जाए, उसे हंसाने वाला, उसकी केयर करने वाला, तो इंसान ना बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, ये सच है। और मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा। मैं तुम्हारे बाबू चोकर बन जाऊँ, तुमको हंसाऊंगी, हंसा हंसा के तुमको ठीक कर दूंगी। बोलो चक्कर नंबर 5, अब तुम मुझे एक डांस करके दिखाओ, मेरे पैर पे चलो। नहीं बाबू, चलो नहीं, चलो हम लोग करेंगे एक छोटा सा डांस। हाँ करो। पागल इधर आके बैठो, पागल इधर आओ। ठीक, पता है तुमसे इतना प्यार क्यों है मुझे? तुम बहुत अच्छी। कौन सा गाना लगाओगे बाबू इसमें? गली में था सही था। पागल आ जाओ, अरे आ जाओ पागल। ठीक है, देखना तुम रोज, मैं तुमको अच्छे अच्छे स्टेप्स सिखाऊंगी बाबू। अब इधर आओ, पहले तुम ये वाला सीखो। करो, कौन सा वाला? करो करो, ये हाथ, हाँ, ये कमर, ये हाथ बाहर, ये मुझे आता है। मेरे पास आओ, करोगे ना तुम? तुम सच में बहुत अच्छी हो। बोलो पहले। तुम सच में बहुत अच्छी हो। वो तो मैं पैदा ही अच्छी हुई थी, जब मैं पैदा हुई थी ना तो मम्मी बोली अरे क्या हो गया, दूसरी भी लड़की पैदा हो गई, ऐसा बोली थी वो। हे भगवान, जिसके साथ प्रिंस ही रहेगी ना। सॉरी, कुछ गलत बोल लिया था ना। हाँ, मेरे साथ प्रिंस ही रहेगी ना, जब तक मुझे अकेला महसूस नहीं होता। 2 दिन के लिए मेरे पास से चली गई थी, सच में अकेला सा महसूस हो रहा था, और अंदर ही अंदर पता नहीं क्यों। एक बात बोलूं, कभी खुद को अकेला मत समझना, कोई इंसान कभी अकेला नहीं होता, हमेशा उसके साथ शंभू होते हैं, जैसे मेरे साथ महाकाल थे। जब मैं पैदा हुई थी ना तो सबने बोला कि दूसरी भी लड़की होगी, लाइक मेरे से बड़ी मेरी सिस्टर है ना, तो सबने कहा था कि मतलब एक लड़की और आ गई, बिकॉज हमारे फैमिली थोड़े रिचुअल्स अलग तरीके से, तो उनको लड़के से ज्यादा प्रेम होता है, लड़कियों से इतना नहीं होता। तो सबने बोला, मम्मी भी मेरी भी बहुत दुखी थी कि यार एक लड़की और हो गई, अब कैसे क्या करेंगे। तो सबने बोला कि अरे हो गया, देख लो इसको, मतलब कोई इतना वो नहीं करता था। माँ ने मेरी मुझे अकेले वो किया कि अरे नहीं लड़की है मेरी, ये वो, मतलब एक तरीके से अगर लड़का होता पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा देते, ये करवाते वो करवाते, कुछ इस तरीके से। बचपन से ना मुझे लड़का बना के रखे हैं, एकदम यो लंबे लंबे शर्ट और पैंट, ऐसे छोटे छोटे बाल, ऐसे रहते थे मैं।
ठीक है चलो थोड़ी देर रेस्ट कर लो, थकी हुई आई हो। बाकी का व्लॉग यहीं बंद करता हूँ, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।